करने से बाद में जो नौकरी मिल के आएगा वो प्रॉब्लम होगा। सीधा सुनो सुनो, एक बात क्लियर है, ऑनलाइन अगर वीसी कर दिया ना, वीसी को धुलाई करता है। ऑनलाइन एग्जाम जो नौकरी यहाँ में नौकरी करेगा, ऑनलाइन एग्जाम देके आएगा, उसको यहाँ यूनिवर्सिटी में कदम रखने नहीं देगा। आपका क्लेरिफिकेशन या आपका बात सुनने के लिए हमने आया, या आज अपसु आया, अंशु आया, सिंस वी आर द वॉइस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो है कानून है, तो इसके लिए आज आप हमको यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस मत चुनाइए। वी आर नॉट गोइंग टू मतलब उस हम लोग प्रोसेस में हम लोग नहीं जाएगा। बस हम लोग ये चाहेगा कि हम लोग का डिमांड को आप यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस में मतलब सुटेबल होने तो कैसे एडजस्ट करना है, दैट इज योर डाउट। आप स्टूडेंट को नहीं मिलेगा बोलते हैं, पब्लिक को नहीं मिलेगा बोलते हैं, ये तो गलती बात है ना। कहां ही मिलता है, आया था आपसे तो मिलता है, बोला कि विक्रम सर को बात करो, तो मिल भी तो एक इधर हो वो तो ये अपसो लॉन्ग लिव अपसो लॉन्ग लिव। कौन से मेनर जो भी कुछ में तुम्हें बोलने से भी आपका समवर्मिंग आरोपण है, एक कमिटी में भी जो रिक्रूटमेंट कमिटी में इसमें वाइस है, तो इस चीज़ को आप क्लियर कीजिए। और हम लोग को आज का दिन से एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करके, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को एक साथ इशू रेज करेंगे, ये है हम लोग का। ठीक है, आज आपका क्लेरिफिकेशन ना, या हम जो है वे फॉरवर्ड जैसे बताया वे फॉरवर्ड कि क्या होना चाहिए। वही आपका क्लेरिफिकेशन या आपका बात सुनने के लिए हमने आया, या आज अपसु आया, अंशु आया, सिंस वी आर द वॉइस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो है कानून है, तो इसके लिए आज आप हमको यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस मत चुनाइए। वी आर नॉट गोइंग टू मतलब उस हम लोग प्रोसेस में हम लोग नहीं जाएगा। बस हम लोग ये चाहेगा कि हम लोग का डिमांड को आप यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस में मतलब सुटेबल होने तो कैसे एडजस्ट करना है, दैट इज योर डाउट। तो वो है ज़्यादा से कुछ बात करने का नहीं है इसमें हम लोग सर, आप भी थोड़ा समझिए, क्योंकि आप अरुणाचल देखिए, आप मतलब इधर इतना अनएम्प्लॉयड हो रहा है, हम लोग के पास ऑप्शन ही नहीं है। तो हम लोग चाहता है कि एक पियोन भी मेरा आदमी को मिलने से अच्छा है, इसलिए हम लोग स्वीपर लेवल तो भी हम लोग को एकदम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जो भी हो हम लोग को रिजर्वेशन चाहिए बस। थैंक यू। बोलना चाहूँगा एक्चुअली जितना भी है आज हम लोग का जो पॉइंट था उसी का ले आया था, तो ये पॉइंट भी बोलना जरूरी है ऑडियंस का जब बात। मेरा 18 को रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो पोस्ट वर्क पास करके 19 को खत्म हो गया, तो मेरा था सुपरवाइजर तमोली सर। तमोली सर को 4-5 महीने का बाद वो लीव पे चला गया, बीसी चला गया, तो फिर उसके बाद आया कोरोना। ये मेल लेटर को रिकम सर को भी दिया था, सबको आपको भी पहुँचा है मेरा जो बात। तो क्या होता है उसमें सर को नहीं मिल पाता है, वो तो बेहतर है लखीमपुर में, बार बार किया नहीं मिला, फिर उसके बाद कुछ केसेस हुआ उसका, कुछ बुरा हुआ उसके साथ, तो ऐसे होके तो सर ऐसे वाला बैलेंस केस तो बहुत है, तो इसलिए तो सर आप लोगों को बोला कि फिर अभी देखो आप लोग उसी दिन बात कर, फिर मेरा रिसीव किया, तो रिसीव करके अभी तक तो आए नहीं, रिस्पॉन्स तो अच्छा आ रहा है, लेकिन आई एम नॉट येट रजिस्टर्ड। अगर मैं रजिस्टर करता तो मैं भी तो एक साल में खत्म कर सकता ना, मेरा टॉपिक तो अच्छा है, ईजी है, समय भी जाएगा उसमें, टफ भी है, लेकिन आई कैन कंप्लीट। नो प्रॉब्लम, तो हमने मना नहीं किया ना, मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी काम खत्म करो कि दूसरे बच्चे को मौका मिले। लेकिन बस आप लोग ऑडियंस में क्या निकला कि मैंने 20 से पहले वो हम देख लेंगे, क्या क्या वो मैंने वादा किया, चार डिमांड में देख लूंगा, बोली उसी तरीके से देख लूंगा। जो सिशन भाई जी बोला तो सही बोला, आप ऐसे बोल दे रहे सबका सामने तो अच्छी बात है सर। अच्छा ये किया कि जगह हो जाएगा, देख लूंगा। और दूसरी बात, मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि किसी को तकलीफ हो, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से और दूसरा प्रॉब्लम कौन फंसा, नहीं नहीं आप तो फंस गए, काम हो जाएगा। लेकिन आप ये बता भाई लोग, टीचर का नाम आपका सुपरवाइजर देता है, सुपरवाइजर उसका दोस्त है, उसको कह तो सकता है कि भाई सिनॉप्सिस दे के दो साल सिनॉप्सिस क्यों लगता है, मैं यही कहता हूँ। सर कॉन्टेक्ट किया, कॉन्टेक्ट लगता ही नहीं, आपको बता ना सर किस मुसीबत में फंसा हुआ था, आप उसकी जगह होते तो क्या करते, हम उसको ले आया, वापस ले आया ना, इस बार लाए ना सर ना, अब आपको तो लास्ट ईयर भी मेरा गुहार किया था, आप तो दे लाया उसमें किसी को प्रेशराइज दिया है, लेकिन किसी को आप यहाँ पे आप छात्र है वो क्या आप है, सब ऑडिटर ऑफिसर मेटाम का आप है सर, आप है वो की ये लोग नहीं है, ये लोग है वो क्या आप है, तो आपको तो हम लोग बहुत रेस्पेक्ट करता है, तो
जैसे कि जो प्रेस मैंने आज आपसे किया, हम लोग भी विश्वास करता जैसे कह दिया आप कर देंगे तो हम बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप स्टूडेंट को नहीं मिलेगा बोलते हैं, पब्लिक को नहीं मिलेगा बोलते हैं, ये तो गलती बात है ना। कहां ही मिलता है, सबसे तो मिलता है, बोला कि विक्रम सर को बात करो तो मिल भी तो एक इधर हो। वो तो ये है कि देखो बैठ जाओ, क्यों बोलता है स्टार्ट ऐसे नहीं होता है सर, बैठिए। और आपका भी तो कंप्लेन तो बहुत आता है सर, चलो मौका मिला ऐसे मैं बोल रहा हूँ। रिसेंटली आप ये क्या बोलते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जो फ्राइडे को क्या बोलते हैं लोकल ड्रेस पहनने बोला है, तो उसमें आप एक सुपरवाइजर के साथ में एक स्टूडेंट घूम रहा था बोला है, तो वो लोकल ड्रेस पहना था बोला, उसको बोला क्यों आप ये पहन रहे हैं, नहीं ये डिप्रेशन नाम बताओ ना, किसका नाम बताओ भाई, देखो सुना काली सुना उसको गलत, ये गलती चीज है। नहीं नहीं तो बोला मैं तो खुद ही बोल रहा, मैं तो खुद ही बोल रहा हूं लोकल ड्रेस देखो, सुनूंगे 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 ऐसा आदमी से पानी नहीं पीता बोला, बताइए बताइए मेरा बात बुरा लगा तो माफ कर दीजिए, लेकिन जो चीज है छोटे हिसाब में आपको समझाना जरूरी है, आप भी हम आप तो बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं, हमारा भी एडवाइस करिए आप लेना है। मैंने तो सुनो मेरी बात सुनो, मैंने तो रजिस्ट्रार साहब से यही कहा था कि साहब क्या हम लोग लोकल ड्रेस को अपने कम्युनिकेशन में ला सकते हैं, तो बात फंस गई कि सर सर पे क्या लगाएगा, यहाँ तक बात किया, तो जिसने भी शिकायत की गलत शिकायत की वो मना के। सर ये लास्ट में आप जितना भी हमें 4 पॉइंट बोला स्कॉलर का, इसको कहीं नहीं जिससे भी देख दीजिएगा और साथ में इसको भी इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, कितना टाइम है ये, फोर्थ टाइम हो गया, इसको आप देखना ही पड़ेगा सर जिससे भी आप इसको, तो आप हम देख लेगा। पहली बात ये गलतफहमी है कि नौबत आ गई, धरना प्रदर्शन हर साल जब से बनी है यूनिवर्सिटी तब से ही हो रहे हैं, अगर 2017 में आपको याद होगा मेरे आने से पहले तो धरना प्रदर्शन इसलिए भी हुआ था कि नया वीसी लेकर आओ, तो धरना प्रदर्शन हर साल अमूमन होते रहते हैं, बल्कि आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि हमारे आने के बाद 4 साल तक कोई धरना प्रदर्शन ऐसा नहीं हुआ टीचर द्वारा, तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये है कि जो काम करता है तकलीफ उसी को होती है, जो चुपचाप बैठा रहता है उसको कोई तकलीफ नहीं, तो उसको कोई जानता भी नहीं पूछता भी नहीं है, तो अब इतना सारा काम हो रहा है तो उसके हर एंगल से कोई ना कोई शिकायत लोगों के मन में आती है। शिकायत तब आती है जब लोगों को अपनी इच्छा पूरी नहीं होती है। अभी आपको याद होगा कि हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बात कही थी यूरोपियन कंट्री के साथ कि आपकी प्रॉब्लम हो तो सारी दुनिया की प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमारी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात उन्होंने कही थी। ऐसे ही कुछ वाक्या इधर होता है कि यहाँ जब कोई अपनी इंटरेस्ट की बात सोचता है तो वो भूल जाता है कि हम अरुणाचल के इंटरेस्ट की बात करें, वो ये भूल जाता है कि आरजीयू के इंटरेस्ट की बात करें, वो ये भूल जाता है कि हम एनआईआरएफ की बात करें। तो अगर आपको रैंकिंग बनानी है, जो अगर आप मोटा मोटा मुद्दे की बात करें, तो पहली बात तो ये मैं बता दूं कि फीस वगैरह की जो कभी बात होती थी तो गलतफहमी में लोगों को भड़का के लाया गया, क्योंकि 4 साल मेरा यहाँ हो गया है और 3 साल से तो फीस मैंने ही नहीं बढ़ाई है, क्योंकि 2020 में कोविड आ गया और मैं 2018 में आया था, और फीस जब भी बढ़ाई गई है एक ही बार फीस मेरी जानकारी में बढ़ाई गई है, वो भी कुछ 2-3-4-5%, और ये जो फीस बढ़ाई जाती है ये भी एक एग्रीमेंट का तरीका है। एक आपने सुना होगा कभी कभी बीच में कि जो हमारा आरजीयू का सेकंड रैंकिंग आई थी, सेकंड रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सेकंड रैंकिंग हमको दी थी, बड़ा अच्छा लगा था सबको, वो सेकंड रैंकिंग इसलिए दी थी कि हमारा डेटा सबसे सही था, उसको हम बोलते हैं ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट। ट्राईपार्टिट का मतलब हो गया कि 3 सिस्टम में समझौता, हमको सैलरी कहाँ से मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमको सैलरी देती है, लेकिन हमको सैलरी डिसबर्स कौन करके देता है, यूजीसी, तो वो एक कागज़ साइन होता है जिसमें 17 बिंदुओं के ऊपर एग्रीमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्राईपार्टिट एमओयू एग्रीमेंट। उसमें वो यूनिवर्सिटी, जैसे वो मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ नेरिस्ट भी है, एनआईटी भी है, तो वो भी ट्राईपार्टिट साइन करता है। तो जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधे फंडिंग आती है, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो एनआईटी हो, नेरिस्ट हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अभी अपनी देश में 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, तो ये सारी यूनिवर्सिटी ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट साइन करते हैं, और उस सिग्नेचर में यानी कि यूनिवर्सिटी, यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें एक कॉलम में ये लिखा हुआ कि हर साल हम 2-3% फीस बढ़ाएंगे, ये एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट क्यों बढ़ाया गया है, देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि ये कहा जाता है कि फ्री ब्रेड इज़ नॉट गुड, फ्री लंच इज़ नॉट गुड, यानी कि दोनों तरफ से जिम्मेदारी होनी चाहिए, कोई भी छोटा सा एक फीस होती है तो लोग उसके बारे में जागरूक हो जाते हैं, तो अगर स्टूडेंट भी छोटी सी फीस देता है तो वो उसके जागरूक होने की निशानी है, वो उसको तंग करने के लिए नहीं दिया जा रहा। दूसरा, सभी
APST के 100% बच्चों को फेलोशिप दी जाती है इसीलिए कि वो अपने फीस का कंपोनेंट भी उससे बियर कर सकें, तो इसलिए उसमें उनको प्रसराइज करके या गरीबी है करके तंग नहीं किया जा रहा है। सरकार उनको मदद करने के लिए फेलोशिप भी देती है। फेलोशिप के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट वो जीवन में खाने पीने के लिए इस्तेमाल करता है, दूसरा कंपोनेंट वो फीस भी देता है, और वो फीस भी बड़ी रिजनेबल है। मैंने जैसा कहा कि हमने 3 साल से फीस एकदम नहीं टच की है, चाहे वो इंटरेस्ट फीस क्यों ना हो। फिर मैंने ये कहा कि सभी को पूरा अधिकार है, आप एक एनोलॉजी ड्रॉ करिए, लेकिन एनोलॉजी आप कंप्लीट फीस की ड्रॉ करेंगे। कुछ लोग अपनी फीस में ये लिखते हैं कि हमारी ट्यूशन फीस 2 रुपए, 10 रुपए है या 200 रुपए, तो हमारी भी ट्यूशन फीस हम बता देंगे आपको कितनी, हमने तो कंप्लीट फीस की बात करी है। तो मेरा ये कहना कि कंपेरिजन करते समय कुछ डेटा बहुत सारे लोग छुपा देते हैं, हम तो पूरा डेटा कागज पे लेकर आते हैं, तो इसलिए कभी स्टूडेंट की भावना में आई। फिर देखिए कोविड के समय, अभी किसी ने शायद जिक्र किया था कि वो फीस कोविड के समय भी ली गई, कोविड के समय एग्जामिनेशन फीस 40% और 60% घटाई गई थी। कॉलेज को जहाँ तक मुझे याद है कि या तो 60% घटाई गई थी और यूनिवर्सिटी में 40% घटाई गई थी। उसके पीछे कारण क्या है, पीजी में हमारे ज़्यादा पेपर होते हैं, तो जो ये फीस होती है सरकार जो है पैसे जो देती है सैलरी पेंशन के लिए देती है और फेलोशिप के लिए देती है। जो रिकरिंग ग्रांट मिलती है, आप सोचते होंगे कि हम सारी फीस पूरी माफ़ करके कैसे काम क्यों नहीं काम कर पाते हैं। अभी आपके अपने इस यूनिवर्सिटी में करीब 37-38 गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को अभी इंगेज किया गया। गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को पहले RGU में, ये बात आप लोगों ने किसी ने नहीं कही और किसी ने तारीफ भी नहीं की, तो मुझे लगता है जब कोई अच्छा काम हो, जैसे मैंने अभी टीचर्स यूनियन से आज तक ये नहीं सुना कि उनको मैंने 1,00,000 रुपए का लैपटॉप दिया पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो उनकी तरफ से अप्रिशिएशन तो आज तक नहीं आया। लैपटॉप तो इसलिए दिया गया था कि उसमें बैठ के वो पेपर लिखें, पब्लिकेशन करें, बच्चों के लिए नोट्स तैयार करें, तो वो तो किसी ने नहीं कहा और वो बात किसी से जिक्र भी नहीं किया, तो मुझे तकलीफ होगी, तो मैंने मदद क्यों की। फिर दूसरी बात मैं कहूँगा कि हमने टीचर्स को सब्सिडी भी दी है, टेलीफोन के माध्यम से ऑनलाइन का क्लास कर सके उसकी भी सब्सिडी दी है। तो अब जब हम ये फीस की बात कर रहे हैं, तो हमने अपने बच्चों को ये जो फीस कोविड में कम की थी वो इसलिए की थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा था, जबकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हम नहीं ले पा रहे थे। पहले साल ऑनलाइन एग्ज़ाम हमारी एक एजेंसी ने लिया था, जिसने हमको प्लेटफॉर्म दिया था वो भी फीस ले रही थी। तो हम ये फीस बच्चों की जिम्मेदारी की वजह से लेते हैं, ना कि उनसे प्रॉफिट कमाने के लिए लेते हैं। तो लेकिन बच्चों को कोई सूचना नहीं होती है, इसलिए वो हंगामा करते हैं। आपको जान के ताजुब होगा कि टोटल हॉस्टल फीस जो अपने RGU में है, टोटल हॉस्टल फीस मुझे लगता है कि 600 रुपया या तो साल है या तो सेमेस्टर है, 600 रुपया, तो आप महीने में जोड़ लीजिए 50 रुपया आया। एक कमरे में 2 बच्चे रहते हैं और हम 50 रुपया ले रहे हैं उससे, तो ये तो कोई फीस नहीं हुई, ये तो जिम्मेदारी का एहसास कराने की बात हुई। और PhD वाले बच्चों से सिर्फ 100 रुपीज़ लिया जाता है, तो ये फीस, और ये फीस अभी हमने नहीं बढ़ाई है, ये फीस पहले से चली आ रही है। सर मैं कहना चाहूँगा, लेकिन सर जैसे देखा जा रहा है आज जो है स्कॉलर जो फैकल्टी है उनकी तरफ से जो है कंप्लेन आया है। हाँ, क्या कंप्लेन आई है? एक कंप्लेन ये आई है कि खत्म कर लेता हूँ सर, तो इस तरह का जो है काफी कुछ उनका ये एक कंप्लेन था कि जब भी VC को वो अप्रोच करते हैं तो वो जो है अच्छे से वो नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये उन्होंने कहा ना जी, जी वो कोई वो सबूत तो नहीं ना दे पाए आपको, तो ये मैं कह रहा हूँ, आपका क्या कहना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा पूछा आपने सर। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपका अगेंस्ट कुछ बोलता है तो वो लोग का PhD आप कैंसिल करेगा बोल के धमकी देते हैं। आप उससे 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 बोलिए ना कि ये जो बोल रहा है ये उसकी अपनी कहानी है कि हमने कहा है बोलने के लिए, तो ये बोलने के लिए तो कोई भी कुछ बोल सकता है ना, बोलने के लिए तो हम ये भी बोल सकता कि हम हमने कहीं ये नजर आ रहा है कि सर, हाँ एकदम एकदम टीचर फैटर्निटी एकदम थोड़ा नाराज है सर, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है। नहीं, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, जिसको काम नहीं करना है उसको नहीं करना है, तो जिनको नहीं करना पड़ता है वो जोर जोर से भी बोल देता है। हम तो जोर से बोल रहे हैं ना, आपसे मैंने कहा कि रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने कहा कि उनसे पूछेगा कि लैपटॉप लिया है आप तो किस काम के लिए लिया लैपटॉप, क्या कर रहा है, ये तो बात करनी पड़ेगी। अब देखिए ये ऑर्डिनेंस है RGU के, मैं आपको बताऊं जो शायद उस वक्त बात नहीं हो पा रही थी कि अपने RGU के जितने भी ऑर्डिनेंस थे 2017 में UGC ने रिजेक्ट कर दिए। अगर मैं आपको सच्चे तरीके से बताऊं कि 2017 से पहले के जितने भी PhD स्टूडेंट हैं उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है कि उनको डिग्री दी जाती है,
तो ये गाइडलाइन हमने बनाई है और वो सारी गाइडलाइन यहाँ पे है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। इसकी तारीख आप देखेंगे तो आपको देख के अच्छा लगेगा। आप ये पढ़िए, किसी के हाथ में ये हम गाइडलाइन दे देते हैं, आप इसका ईयर देखिए क्या लिखा हुआ है, आप इसको ठीक से देखिए कि कब छपा है। सारे 2020 में छपे हैं, ये देखिए क्या लिखा हुआ, मार्च कुछ लिखा है 2021। तो आप जरा सोचिए कि 31-35 ईयर्स की यूनिवर्सिटी हो गई और गाइडलाइन नहीं थी। तो जब गाइडलाइन नहीं होगी, हमारे यहाँ की सारी गाइडलाइन 2017 में रिजेक्ट हो गई थी। सर एक क्वेश्चन है, हाँ पूछ लीजिए। इन्फॉर्मेशन प्रायर टू दिस अराइवल, आई वुड हैव ऑल्सो डन द सेम थिंग। मैं अगर वो मुझे सूचना दे देते पहले से ही कि सर इसको ऐसे ऐसे करना है, वो सूचना ही नहीं दी, तो अगर सूचना दे देते तो भी मैं करता, तो जो मुझे उस वक्त करना था वही मैंने अभी किया हुआ। अगर किसी को तकलीफ है तो चार बार जांच हो जाए कि चार बार उन्होंने ये वादा किया है कि हम जल्दी से नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के जो पॉलिसी है रिजर्वेशन वो सर आपको देंगे, तो हमने कहा कि जल्दी से दे दीजिए। अगर वो दे देंगे तब तक हम चीज़ों को स्टॉल पे रखेंगे, हॉल्ट पे रखेंगे, उनका कागज़ देख लेंगे, उनके साथ मीटिंग कर लेंगे, क्योंकि सिस्टम तो रुक नहीं सकता ना। आज हम फास्टिंग पे हैं तो कल हमको खाना खाना ही है, तो सिस्टम रुकेगा नहीं, हम उनके कागज़ का इंतजार करेंगे। उन्होंने हमने तो उनको 2 महीने का टाइम दे दिया है, ठीक है, उन्होंने अगर 2 वीक में काम दे देंगे तो हम 2 वीक में काम शुरू कर देंगे, वो 2 महीने लगाएंगे 2 महीने में काम शुरू कर देंगे, उसके बियॉन्ड जाएंगे तो हम मीटिंग करके बातचीत कर लेंगे कि भाई आपने ये कहा था हमको दे दीजिए, हम बात करते हैं। तो पॉजिटिविटी की जहाँ तक बात हो रही है, पॉजिटिविटी इज ऑल थ्रू, द थिंग इज दैट इट इज़ जस्ट रेफरेंस। जैसे आप अगर यहाँ पे खड़े हैं और अगर मैं ये बोलूँ कि ये किताब टेबल के ऊपर रखी है, आप इसको कैसे देख रहे हैं, इट इज़ ऑन द टेबल। When we sit down here and we look at it, तो हमको ये ऊपर नज़र आएगी, तो ये रेफरेंस पॉइंट की भी बात है। वो भी वही कह रहे थे जो मैं कह रहा हूँ। और रही बात बच्चों के APST के लोगों की भलाई की, वो भलाई का काम हो रहा है, ठीक है, उन्हीं को दिया जा रहा है। एडमिशन भी 84% उनको दिया गया, अपॉइंटमेंट में 70% लोग हैं ही, और जहाँ पे कमी होगी उसको देख लिया जाएगा। और हमारे पास नॉन टीचिंग में मैंने कोई पोजिशन ही नहीं भरी है, नॉन टीचिंग में सिर्फ 11 पोजीशन है और वो मुझे लगता है कि अभी भरी नहीं गई है, सिर्फ 11 पोजीशन है। जो आप देख रहे हैं ये लोग काम करते हुए, वो परमानेंट नहीं है, कंटीजेंसी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लोग हैं, ठीक है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 70% रिक्रूटमेंट जो होते हैं वो यहीं के होते हैं, लेकिन रिसेंटली जो 40 लोगों के लिए हुआ है, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 लोग सिलेक्ट हुआ है। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि जो 40 लोगों को हुआ है, अगर मैं आपसे ऑनेस्टली रिक्वेस्ट करूं कि वो 40 लोगों जिन्होंने कहा है उनसे कागज़ मान लीजिए आप, तब हम लोग इस पे बात कर लेंगे। अगर 40 होगा, अगर 40 रिक्रूटमेंट हुआ होगा, ठीक है, परमानेंट फैकल्टी पोजीशन पे, तो भाई ये आप लोग गवाह हो, हम यहाँ से रिजाइन करके चला जाएगा। और 40 रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो फिर हम पूछेंगे कि आपको ये गलत सूचना किसने दी। देयर इज नथिंग लाइक 40 रिक्रूटमेंट। देखो सूचना देते समय गलत सूचना लोग दे देते हैं, वो भावना में बोल देते हैं 40 राउंड फिगर बता दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है, सारे नियम कानून का पालन किया जा रहा है। दूसरा देखो आप ये बताओ, जैसे अभी किसी लोगों ने आप ही लोगों में से पूछा था कि वहाँ से तो आया यहाँ उसको एडमिशन क्यों नहीं मिला, जब ये नियम है, और नियम हमने थोड़ी लागू किया है, नियम तो डे वन से है, 2016 से नियम लागू है कि 2 पेपर PhD एंट्रेंस का 2 पेपर होता है, 2 पेपर में एक पेपर में हर इंडिविजुअल पेपर में 50% आना चाहिए। जब आप 50% आया ही नहीं है तो आप उसमें कैंडिडेट ही नहीं है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मेरी गलती कहाँ है, कम से कम इतना नंबर तो लाना ही पड़ेगा। तो ये है। दूसरा, हम लोगों को चाहिए कि थोड़ा होमवर्क करें, पढ़ाई लिखाई करें, टाइम से PhD ख़त्म करें। अभी PhD की बात होगी, आपने नहीं पूछा तो हम ही बता देते हैं। आप ये बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में घूम लीजिए, पूरे भारतवर्ष में घूम लीजिए, 12 साल कोई लगाता है क्या PhD में? 12 साल यहाँ से बैठ के बता रहा हूँ। 2010 का केस है एजुकेशन में, फिर भी मैंने उसको मना नहीं किया, हमने कहा कागज़ दो। 12 साल कहीं होता है क्या?
और 12 साल में अगर वो सीट फंसा के रखी है तो फिर आप हमसे कैसे पूछ सकते हैं कि अरुणाचल के बच्चे का भला नहीं हो रहा, वो भी सीट तो अरुणाचल के बच्चे ने इंगेज करके रखी है। तो ये सोचना पड़ेगा, टाइम से अगर खत्म होता है काम तो वैकेंसी होती है, हॉस्टल खाली करो दूसरा बच्चा आएगा उसको खाना मिलेगा, हॉस्टल में स्पेस मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बैठ के चीज़ों को समझना पड़ेगा। वो जो एक्साइटमेंट में जो बहुत सारी बातें हो जाती हैं वो बहुत सारी सही नहीं होती। जब हमने अपनी बात कही तो आपसु और आंसु यही कह के गए, सर हम लोग बैठेंगे भी और फिलहाल के लिए तो सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। सर इसमें ऐसे भी चल रहा था सर, या स्कॉलर्स तो रहते ही है लेकिन उनका जो सुपरवाइजर है वही नहीं रहते, वही कहीं पे चले जाते, छुट्टी पे चले जाते, तो कैसे करेंगे वो अपना पेपर थीसिस कैसे बनाएंगे सर? देखिए सुपरवाइजर टीचर ही है, वो मेरा कलीग भी है, तो मैं अपनी कलीग की, हालांकि 4 दिन पहले उन्होंने हंगामा भी किया था, फिर भी ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, कोई भी टीचर एब्सकॉन्डिंग नहीं रहता है, भागता नहीं अपने काम से, वो तो या तो ड्यूटी लीव पे जाता है या अपनी छुट्टी पे जाता है, अगर हेल्थ का केस होगा तो छुट्टी ले कर जाता है। लेकिन आप ये बताओ कि आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, सुपरविज़न के लिए अभी अभी हमसे कोई बोला था कि सर आप ये दो आपका काम है कैसे करेंगे, हमने कहा हम जो यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वीसी का, हमने कहा मैं ऑनलाइन करूँगा, हम ईमेल से भेज देंगे। तो किसने रोका है कि विद्यार्थी, वो तो अच्छा होगा आपने काम किया है तो अपने टीचर को ईमेल से भेज दो, टीचर ना भी नहीं कर पाएगा, आपके पास प्रूफ रहेगा, आपने काम ही नहीं किया है तो सुपरविजन कैसे होगा? और टीचर कोई भागता नहीं है, विंटर ब्रेक में जाता है या समर वैकेशन में जाता है, डीपी हॉलीडे में जाता है, तो जो टीचर जाता है वो नियम से छुट्टी पे जाता है, भागता कोई भी नहीं है, आप किसी टीचर से पूछ के देख लीजिए भागता नहीं है। विद्यार्थी को भी एक्टिव होना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपना काम नहीं करता है लेकिन एक्टिव होना पड़ेगा। सर आज की जो इंटरव्यू थी वो 90 लोग के लिए थे, 91 लोग के लिए थे, लेकिन उनमें से भी 7 लोग ही एफएससी आए हैं, एफएससी आए हैं, तो इसमें माना जा सकते हैं कि यहाँ पे भी एप्लीकेशन। अभी देखिए आपने जो सवाल ही पूछा वो कितना दुखी करने वाला सवाल है, आज जो अभी इंटरव्यू होने वाला था उसमें 12-13 कैंडिडेट था, जो अभी जिसको आपने भगाया है या उन लोगों ने भगाया है, आपने नहीं किया होगा उसमें, अब जरा सोच लो 90 का रेफरेंस दे रहे हैं और आज के मॉर्निंग सेशन की बात कर रहे हैं, आज 2 सेशन में मीटिंग थी तो आप देख सकते हैं कितना आया था, तो 90 से इसको कंपेयर क्यों कर रहे हैं, डेटा ही नहीं है लोगों के पास। तो देखो 90 की बात कर रहे हो जो 15 दिन चलना था इंटरव्यू, और अभी हम जिनको भगाया है उसमें आप बोल रहे 7 थे, तो अगर 10 लोग आया है उसमें 7 हैं तो 70% हो ही गया, सोचने की बात है। सर मेरा सवाल ये है कि जो आपने कहा है कि ये जो स्कॉलर फ्रेटर्निटी लोग जो है या आज जो आप सब लोग आया है साथ, तो इन्होंने आपको पहले जो है अप्रोच नहीं किया ये प्रॉब्लम को लेकर, लेकिन सर ये आपसू फ्रेटर्निटी का जो लेटर है आज आपको दिया है उनमें उन्होंने सर 3 बार आपको अप्रोच किया है सर, आपका ये जो रजिस्ट्रार है ज्वाइंट रजिस्ट्रार उनको उन्होंने लेटर सबमिट किया, 3 बार अप्रोच करने के बाद जो है आज वो आंदोलन पे उतर आए सर, उनमें आपको क्या कहना? आपसू ने अगर रजिस्ट्रार साहब को लेटर दिया है तो रजिस्ट्रार साहब ने साथ उनसे बात की होगी, अब मैं तो, मुझे तो पूछना पड़ेगा कि क्या क्या बातें हुई। दूसरा सलूशन आप ये कह सकता कि हमको ब्रेकफास्ट करना है और डिनर का आपने प्लान बना दिया, आपने लेटर दिया, आपने क्या ये दिया कि डेमोन्स्ट्रेशन की वार्निंग है कि हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, नहीं किया सर, तो दो अलग चीज़ें हैं। जून से सर वो आपको लिख रहे हैं सर लेकिन आप लोगों ने उनको एंटरटेन नहीं किया सर। रजिस्ट्रार साहब वो तो अब रजिस्ट्रार साहब से सही यहाँ क्या पूछेंगे, हम उससे बातचीत कर लेंगे कि उसमें क्या स्टूडेंट स्कॉलर फ्रेटर्निटी है। हाँ नहीं तो देखिए आप मिक्स कर रहे हैं चीज़ों को सर, रिसर्च नहीं मिक्स मत करिए। आपने आपसू आंसू अपने उस रिक्रूट में ऐसा है कि हमने लेटर तो ले लिए लेकिन मैंने तो बताया ना, अब मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आप वापस जाइए, आपको मैं 1 वीक का टाइम देता हूँ, आप होमवर्क करिए और जरा नाम लेकर आइए किसको मौका नहीं दिया। हमने तो उस दिन भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ, 12 साल कौन पीएचडी करता ये आप हमको बताओ ना, उसको क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए आप ही बताओ, आपके पास कोई है सवाल? उसको किस नियम के तहत रखेगा? कोई नियम लागू नहीं होता, तो भी हम रखा हुआ है, हम ये मौका दे रहा है कि वो काम खत्म करे। तो ऐसी डिमांड जिसके बारे में उसको खुद ज्ञान नहीं है, मान लीजिए हम नाम लेके किसी को नेता नहीं बनाना चाहेगा, एक आध दो रिसर्च स्कॉलर की बात करें, जुम्मा उनको तो 4 साल हुआ है, उसको पहले की प्रॉब्लम कहां से मालूम, इसलिए तो नाम नहीं दे पा रहा है, हमने तो नाम पूछा ना, अब वो झल्ला जाता है कि नाम क्यों पूछ रहा है, हम तो नाम इसीलिए पूछा कि काम किसका रोका है, आप तो शिकायत कर रहा है, ब्लैंकेट शिकायत कर रहा है जो गलत है, ब्लैंकेट शिकायत कर रहा है वो गलत है, इसलिए वो जो काम देगा अगर नियम से नहीं होगा तो कैसे काम होगा। मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे कि 12 साल पीएचडी कौन करता है, भारतवर्ष में घूम लीजिए आप बताइए हमको कहाँ होता है, तो ये सब चीजें हैं। चलिए अब बहुत हो गया, थैंक यू वेरी मच सर। आज का जो वो हमने दे दिया रिजोल्यूशन,
इन राइटिंग दे दिया, उसमें अब हम टीवी पे क्या बताएगा। आखिरी सवाल सर, ऐसे ऐसे आपका अंदर में ऐसे क्या है कि जो आपके खिलाफ जो आपका टीचर जो काम करता है उसके खिलाफ शिकायतें होती है, जो चुपचाप बैठा रहता है उसके पास कोई शिकायत नहीं होती, काम करने वाले की भी में गलती ढूंढी जाती है, जो 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 चुप बैठता है जो काम नहीं करता उसमें कोई गलती नहीं ढूंढी जाती है। आप गलत करता होगा इसलिए आपके खिलाफ ये आपकी अपनी भावना है, ये मेरी भावना नहीं है। गलत कह तो रहा है, देखो कितनी आसान बात है, गलत करता है तो कोर्ट है ना बगल में, कोर्ट जा सकता है, सिंपल। डेमोंस्ट्रेशन क्यों करने की जरूरत है, कोर्ट जाओ। अगर आप गलती नहीं कर रहे तो टीचर डंडा पर उतर रहा है या हाँ, तो कह तो रहा है कि अगर अगर सिंपल बताया, अपने अपने देश में नियम कानून भी कोई चीज है, सिंपल, पुलिस है, कोर्ट है, एपीएसटी कमीशन है, कमीशन में चले जाओ भाई, गलती प्रूफ करना चाहिए। आप सिर्फ भावनाओं में प्ले कर रहे हो, तो इसलिए मैं कह तो रहा हूँ कि जिसको गलत होता है, जैसे जैसे मैं होता, अगर मैं किसी से शिकायत करता मैं तो कोर्ट चला जाता कि साहब इसको रोको, तो वो नहीं कर रहा है, तो ये साबित करता कि मैं अपने सही रास्ते पे चल रहा हूँ, वो ये साबित करता है कि मैं अपने सही रास्ते पे चल रहा हूँ, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, इसलिए वो मॉब के रूप में जाता है, क्योंकि मॉब के रूप में जाने से बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं। सो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।